सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 7 Pro के अपडेट के बारे में। और काफी सारे लोग, काफी मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए मेरे चैनल पर, तो उनके मेरे पर DM आ रहे थे Instagram पे कि भाई बताओ अपडेट आया है, अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी के बारे में। और बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। 50,000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं तो एक छोटा सा टारगेट है, प्लीज पूरा करवा दो। अब बात करते हैं अपडेट की। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसमें मैंने आप सभी को अनाउंस करा था या फिर मतलब इन्फॉर्मेशन दी थी कि Realme 7 Pro के अंदर एक नया अपडेट आ गया है। और ये अपडेट लिटरली बता रहा हूँ भाई, कम से कम भी 1.5 साल से ज़्यादा के बाद आया है। तो आप उससे आइडिया लगाओ कितने टाइम के बाद अपडेट इसके अंदर दिया है Realme ने। देखो, ये एक छोटा सा अपडेट था 217 MB का, मतलब 217 MB के आसपास का अपडेट था। तो आप इससे कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चेंजेस थे वो थे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। चलो शुक्र है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच दे दिया इन्होंने। फिक्स सम नोन इशू एंड इम्प्रूवमेंट इन सम सिनेरियो, बस ये 2-3 लाइनें इस अपडेट के अंदर थी। इसके अलावा इस अपडेट से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये अपडेट था Realme UI 3.0 का और ये है एंड्रॉयड, कौन से वर्जन पे है ये, हाँ एंड्रॉयड 12 पर। तो आप आइडिया लगाओ, मैं अभी एंड्रॉयड 14 यूज़ कर रहा हूँ, तो 12 Realme 7 Pro के अंदर लास्ट OS अपडेट था। इसके बाद उसके अंदर कोई भी OS अपग्रेड नहीं आया है। अब लोगों का डाउट था कि भाई इस अपडेट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे और कई लोग बता भी रहे थे कि भाई लोग कंप्लेंट कर रहे हैं इसके अंदर ग्रीन लाइन इशू है, ये है वो है। तो ग्रीन लाइन इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछा था स्पेशली। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो कर लेना, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है। तो काफ़ी सारे यूजर्स ने वहाँ पर बताया कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है इस अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, आप कौन से अपडेट पर हो। अगर आप F.24 पर हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए इसे अपडेट करने के लिए। और अगर आप F.24 से पहले के किसी अपडेट पे हो, लाइक Realme UI 3.0 की जगह 2.0 पर हो या फिर उससे भी पहले वाले पर हो, तो आपको अपडेट करना चाहिए नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। F.24 वालों के लिए यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है या फिर लैग ज़्यादा कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, बग्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ है F.24 पर? अगर तो यहाँ पर कुछ है तो आपको F.25 पर स्विच कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको अपडेट करना चाहिए। अगर आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो भाई क्यों पंगे ले रहे हो यार। सॉफ्टवेयर अपडेट में वैसे ही आप सभी को पता भाई कितने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं करा है, लेकिन वही बात है ना यार कि क्या पता हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए F.25 का अपडेट। अगर आपको करना है फिर भी आपके अंदर चूल है और आपके मतलब आपका फ़ोन पहले से ही बेकार चल रहा है तो आप अपडेट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि भाई Realme 7 Pro के अंदर जो ये लेटेस्ट अपडेट आया है ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बग नहीं है, कोई ग्रीन लाइन इशू नहीं है, कुछ नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल गया है और अपडेट कुछ बेटर के लिए दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि अपडेट के बाद आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। 99 चीज़ें बेटर होती हैं, एक प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया है कि भाई आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार रिपीट हो गया है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर कुछ भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है ना, तो आप नीचे कमेंट कर देना। इंस्टा पे मेरे को डायरेक्ट DM कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है अपने ही पीयर ग्रुप के अंदर, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। तो ये थी वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज 50,000 सब्सक्राइबर्स करवा देना। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।